मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 4 नवंबर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है स्कूल फीस को लेकर, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस पेंडेमिक के पीरियड के अंदर जो स्कूल हैं वो सिर्फ ट्यूशन फी ले सकते हैं, और ट्यूशन फी जो उन्होंने उसको एलोबरेट भी किया है उससे बहुत क्लियर है कि वो जो ट्यूशन फी है वो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो उसकी सैलरी के लिए जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि टीचर्स को पूरी सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल चाहते हैं तो 20% रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो जो रिडक्शन होगा वो बाद में जब नॉर्मल होगा तो वो फीस भी उनको जो उनकी जो डिडक्शन है वो उनको एरियर्स जो है रिफर देने पड़ेंगे पैसे। तो ये जो जजमेंट है ये बहुत ही वेल रिटन है, वेल मीनिंग है, और जो ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन का शुरू से ये रहा है कि कोई भी स्कूल जो है ट्यूशन फी के अलावा नहीं किसी पेरेंट से पैसे लेगा, और वो जो ट्यूशन फी है वो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी होगी, और उस पर भी गवर्नमेंट चेक करेगी कि वो पैसा रियली उनको दिया या नहीं दिया। तो इसी लाइन के ऊपर जो है ये मध्य प्रदेश का जजमेंट है, तो हम इसका बहुत स्वागत करते हैं जजमेंट का, और हम ये चाहते हैं कि इस जजमेंट में जो डायरेक्शंस हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डिनेंस लाकर ये सारी डायरेक्शंस उसके अंदर डाले, और देश के सारे प्राइवेट स्कूल्स को डायरेक्शन हो कि वो इन जो डायरेक्शंस हैं उनको वो फॉलो करें, कि सिर्फ ट्यूशन फी आपने लेनी है और वो ट्यूशन फी जो है वो जो है टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी के लिए होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस जजमेंट के बेसिस पे इस तरीके का ऑर्डिनेंस लाती है तो देश के सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उनको बहुत बड़ी राहत जो है इससे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।